नमस्कार, सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरी भी सुनो हाईकमान कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जेजेपी के नेता विजय कुमार जैन। ये भी जेजेपी पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। आप जेजेपी पार्टी नई नवेली पार्टी है, उसे टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो जेजेपी पार्टी आपको टिकट क्यों दे? क्यों दे? वो तो जेजेपी को हाईकमान को सोचना है। आप में क्या खासियत देखे ऐसी? क्या आपने विपक्ष में रहते काम किया है? क्या आपकी सामाजिक उपलब्धियाँ हैं, राजनीतिक उपलब्धियाँ, उसको देखते हुए? तो आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आपको बताता हूँ। 92 में मैं आदरणीय चौटाला साहब जी के साथ जुड़ा था, तो आज मुझे 28 साल हो गए। ठीक है, इनेलो और जेजेपी, पहले तो एक ही पार्टी होती थी, अब ये इनके आपस में वो है। वर्कर्स का कोई कसूर नहीं कहीं भी, बल्कि वर्कर्स तो धर्म संकट में फंस गया। वर्कर तो एक तरफ आ गया सारा का सारा, देखिए। नहीं नहीं, वैसे वर्कर्स धर्म संकट में फंस गया। अगर वो जेजेपी की तरफ जाता है तो आदरणीय चौटाला जी, अभय जी, वो सोचते हैं भाई वो वहाँ क्यों गए। और अगर जेजेपी में जाते हैं, अगर उसमें इनेलो में जाते हैं, तो फिर हमारे नेता आदरणीय जी अजय जी वगैरह सोचते हैं वो वहाँ क्यों। तो अभी आपकी आस्था जेजेपी में ही है पूरी फिलहाल तो? हाँ, अभी मैं जेजेपी में हूँ। तो वही आपसे हमारा प्रश्न यही है कि जेजेपी आपको टिकट क्यों दे? क्यों दे? वो योग्यता के आधार पर टिकट देगी। वो तो जेजेपी को हाईकमान को सोचना है किसके अंदर योग्यता, कौन काम करा सकता है, कौन काम नहीं करा सकता, कौन आवाज़ उठा सकता हल्के के प्रति, वो तो उनको सोचना है। काफ़ी जो इनेलो का जो कैडर था बीजेपी में, स्थानीय जो नेता है, पूरा का पूरा कैडर जेजेपी में आ गया है। वो तो स्वार्थी लोग हैं ना, जेजेपी में पूरा एमएलए का परिवार भी शामिल है उसमें। पूरा एमएलए कौन सा है? अमीरचंद मकड़ का परिवार जो है, वो भी शामिल है उसमें। और भी कई नेता शामिल है, तो उसमें आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? तो वो शामिल है तो उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें देखा ना, कोई गुण देखे पार्टी के अंदर। टिकट की दावेदारी की पेश बात कर रहे हैं हम, तो वो भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं जेजेपी से। सबका अपना वो है, फिर सबका अपना अधिकार है टिकट मांगने का। आप भी टिकट मांग सकते हो, मैं भी मांग सकता हूँ। जो भी आएगा पार्टी में, छोटा वर्कर, बड़ा वर्कर, कोई भी हो, वर्कर वर्कर है। हम तो पार्टी वर्कर है, हमारा अधिकार है टिकट मांगने। अच्छा, जो बीजेपी पार्टी है उसकी लोकसभा में अभी अच्छी सफलता मिली पार्टी को? हाँ, मिली। आपकी पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई? हाँ हाँ। और लगभग एक सीट को छोड़ देता हूँ, बाकी सीटों में आपकी जमात भी चलती है। तो चलो पब्लिक तो आप कहाँ अपने आप को देखते हैं बीजेपी से टक्कर में? बीजेपी से टक्कर में छत्तीस जात बिरादरी मेरा साथ देगी, ये मेरा आपसे गारंटी है। अगर मुझे मौका मिलता है फाइट करने का विधानसभा का, छत्तीस जात बिरादरी मेरा साथ देगी। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी की उपलब्धि बता दो मुझे। बहुत उपलब्धि बोलती है, अभी कल राजेश ठकराल बीजेपी नेता बोल रहे थे करोड़ों रुपए की ग्रांट लेके आए, लेकर आ गए। ग्रांट का कितना हिस्सा लगा, कितना हिस्सा उनकी जेब में गया? अब कमेटी का हाल आप देख लीजिए, अभी सफाई व्यवस्था इतने साल से बने हुए चेयरमैन। आपने इन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई? मैंने विपक्ष में आवाज अखबार में तो मैं उठाता रहा, लेकिन जो भी हमारा है वो होता था, क्या कहते हैं उसका, एजिटेशन होता था, मैं उसमें भाग लेता था, पूरे जोर शोर से लेता। अगर आपको टिकट मिलती है, हाँ जी, तो हांसी शहर के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मैं तो कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन से विषय रहेंगे जिस पे आप प्राथमिकता से? मुद्दे तो बहुत हांसी शहर के अंदर। आप इसको शहर कहते हो, मैं इसको शहर नहीं कहता, मैं तो इसको हांसी को एक रिफाइंड कस्बा कहता हूँ, खुली स्टेज पर बोलता हूँ। ये शहर नहीं है, शहर की परिभाषा तो अलग होती है। ये शहर आप कैसे, तो आप इसको शहर जैसे डेवलप करवाने के लिए काम, शहर आप कैसे कहोगे? हम जो पानी पीते हैं उसमें सीवर का पानी मिलकर आता है, ये शहर है? इससे बड़ी नलायकी क्या होगी सरकार के लिए? है, हमारे को पानी नहीं मिलता, हमको लाइट नहीं मिलती, बिल हम इतना भरते हैं, पूरी लाइट हमको नहीं मिलती, सड़क चलने के लिए हमको नहीं मिलती, पूरे शहर के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो आप इन सब मुद्दों को जनता के बीच लेके जाएंगे? अगर आप, और भी बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, कितनी बेरोजगारी में आपके भी मंत्री रहे थे यहाँ से, सुभाष गोयल। हाँ हाँ, तो उस दौरान क्या शहर में कोई काम नहीं हुआ? क्या हुआ? अगर आज सरकार आती है कुछ तो काम करेगा ना। आपके, आप बोल रहे हो कि शहर बहुत बुरे हालत में है, ये कस्बे की तरह है। हाँ बिल्कुल, तो शहरी विकास मंत्री आपकी सरकार में रहे हैं इनेलो में, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं करवाया शहर के विकास के लिए? नीति नहीं थी, कोई नियत नहीं थी उसकी, तो कैसे काम कराएगा वो? जिस इंसान की नीति नहीं हो, कोई नियत नहीं हो, कोई सिद्धांत ना हो, वो कैसे काम करेगा? पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी थी कि जो आपके मंत्री हैं वो यहाँ से, मैं उसको मंत्री नहीं मानता नहीं, आप कैसे कहते हो? नहीं मानते थे ना, नहीं मानता था मैं मंत्री उसे, नहीं मानता था मैं नहीं मंत्री मानता। तो अभी आपके मेन मुद्दे शहर के विकास के जुड़े हुए रहेंगे, जिससे आप लेके चुनावी मैदान में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, विकास के मुद्दे। अगर मुझे चांस नहीं मिला,
अगर एक बार चांस मिलता है फिर आप देखते हैं शहर का वो। अच्छा, अगर जेजेपी आपके इतर किसी और को टिकट दे देती है, हाँ, तो फिर क्या आप जेजेपी से नाराज होंगे? नाराज का क्या मतलब है? या कार्यकर्ता ग्रुप? ना ना, नाराज का क्या मतलब है? जो भी आएगा उसका पूरा साथ देंगे। दो कदम चलने की ताकत है, चार कदम साथ चलेंगे। हाँ, पूरा साथ देंगे। शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे चैनल से बातचीत की। आपका विजय जैन, इनका कहना है कि अगर इन्हें जेजेपी पार्टी से टिकट मिलती है और शहर का विकास करने का इन्हें मौका मिलता है तो हांसी शहर में ये जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। नई वीडियो में एक नए नेता के साथ जल्द आपसे मुलाकात करते हैं।